महत्वपूर्ण समाचार सूरत थी। सूरत की नवी सिविल माथी फरी एक वार पोपड़ा पड़या की घटना बनी है। सूरत की नवी सिविल हॉस्पिटल है तेमा अगाउ पण पोपड़ा पड़वा की घटना बनी थी, त्यारे फरी एक वार सूरत की सिविल हॉस्पिटल माथी पोपड़ा पड़या की घटना सामे आवी छे। जी जीरो वोर्ड में पोपड़ा पड़या की घटना बनी है। डायालिसिस सेंटर है और आ डायालिसिस सेंटर चाले छे ते वोर्ड नी अंदर पोपड़ा पड़वानी घटना सामे आवी छे। वारंवार रजूआत करवामां आवी छे छतां पण कोई पण प्रकारनी कार्यवाही करवामां आवी नथी। डायालिसिस सेंटर ने अन्य जग्या पर खसेड़वामां आवशे तेवुं आरएमओ द्वारा कहेवामां आव्युं छे। परंतु प्रश्न ए थई रह्यो छे के अवारनवार रजूआत अने आप दृश्यमां जोई शको छो के जीवनुं जोखम, केम के अगाउ पण आ प्रकारनी घटना बनी चूकी छे, पोपड़ा पड़वानी घटना बनी छे। त्यारे जीरो वोर्डनी अंदर जे डायालिसिस सेंटर चाले छे ते सेंटरनी अंदर फरी एक वार पोपड़ा पड़वानी घटना सामे आवी छे। त्यारे सवाल ए थई रह्यो छे के वारंवार रजूआत पण निराकरण कोई नहीं। आज मुद्दे अमारी साथे अमित रूपापरा जोड़ाया छे। जी अमित, डायालिसिस सेंटर नी अंदर ज पड़ी रह्या छे पोपड़ा, शुं छे वधु माहिती? जी चोक्कस थी वात करवामां आवे, आजे जी जीरो वोर्ड नी घटना सामे आवी छे ज्यां पोपड़ा पड़िया छे। जूनी बिल्डिंग एटले के नवी सिविल हॉस्पिटल नी जूनी बिल्डिंग मां आ डायालिसिस सेंटर चालतो हतो अने आ जी जीरो नंबर ना वोर्ड मां ज आजे पोपड़ा पड़वानी घटना सामे आवी हती। जे समय घटना बनी हती त्यारे दर्दी कोई हाजर न होवाना कारणे एक जानहानि टळी हती। तो बे दिवस पहला ज आजे राज्यना आरोग्य मंत्री हता ऋषिकेश पटेल, तेमणे ज नवी सिविल हॉस्पिटल नी मुलाकात लीधी हती अने हॉस्पिटल ना सत्ताधीशो ने केटलीक वातो नो टक्कर थयो हतो, परंतु आरोग्य मंत्री नी वातो पण आजे सत्ताधीशो ने गळे न उतरी होय तेवुं लागी रह्युं छे। अवारनवार आजे जूनी बिल्डिंग मां पोपड़ा पड़वानी घटनाओ सामे आवे छे, त्यारे आजे आरएमओ द्वारा एवुं कहेवामां आव्युं छे के हवे आजे जूनी बिल्डिंग छे तेना जेटला पण वोर्ड छे तेने अलग अलग जग्याओ पर खसेड़वामां आवशे, त्यारबाद जूनी बिल्डिंग नुं ડિમોલિશન કરવામાં આવશે। પરંતુ આવી વાતો વારંવાર થાય છે પરંતુ કોઈ નક્કર કામગીરી થતી નથી। અત્યારે હવે જોવા મળી રહ્યું છે કે આજે જી ઝીરો વોર્ડમાં પોપડા પડવાની ઘટના સામે આવી છે, ત્યારબાદ હવે સત્તાધીશો ખરેખર એક્શનમાં આવે છે કે ખાલી વાતો પર જ કામ ચલાવવામાં આવશે? જી જી સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર। તો ફરી એકવાર જે ડાયાલિસિસ સેન્ટરનું વોર્ડ છે તેની અંદર પોપડા પડવાની ઘટના સામે આવી છે।